जियोग्रफी प्लस का पेज नंबर टेन और इलेवन करने वाले हैं और उस पर भी करने वाले हैं मजीद कुछ और काउंटिंग एक्टिविटीज तो चलिए चलते हैं बुक में और देखते हैं कि इस वीडियो में हम कौन सी एक्टिविटीज करेंगे सो दिस इज पेज नंबर टेन और हम करने वाले हैं सब एक्टिविटीज ठीक है और इस पेज पे देखिए हमने क्या करना है सर्कल द ग्रेटर नंबर ओके टू गिवन एक नंबर जो है वो स्मॉलर होगा और जो दूसरा है वो ग्रेटर होगा यानी हमने इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है आपने ये देखना है कि विच नंबर कम्स लेटर यानी नंबर कौन सा वाला नंबर दोनों में से ऐसा है जो बाद में आता है यानी जब आप काउंट करते हैं और कौन सा नंबर बाद में आता है सबसे पहले ये देखिए एंड नाइनटीन हमें कैसे पता चला कि नाइनटीन इज द ग्रेटर नंबर अगर हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो आप ये देखें कि सिक्सटीन के बाद नाइनटीन सिक्सटीन से पहले आएगा या बाद में आएगा ये सिक्सटीन से बाद में आ रहा है जैसे सिक्सटीन सेवनटीन एटीन एंड नाइनटीन ठीक है सो द नाइनटीन इज द ग्रेटर नंबर क्योंकि ये उसके बाद में आ रहा है चलिए अब नेक्स्ट नंबर को देखते हैं टेन एंड सेवन तो इसमें से ग्रेटर नंबर कौन सा है दैट्स राइट नंबर टेन इज़ द ग्रेटर नंबर अगर हम सेवन ऑनवर्ड्स काउंट करें सेवन एट नाइन और टेन यानी टेन बाद में आ रहा है तो हमने क्या करना है हमने टेन को सर्कल करना है उसके बाद है ट्वेंटी एंड फोर ये तो बहुत इजी है हमें पता है कि फोर काफ़ी शुरू में आता है और ट्वेंटी काफ़ी बाद में आता है सो व्हाट इज़ द ग्रेटर नंबर ट्वेंटी इज द ग्रेटर नंबर और यहाँ पे है सेवन एंड नाइन और इसमें से ग्रेटर कौन सा है दैट्स राइट नाइन क्योंकि अगर हम सेवन ऑनवर्ड्स काउंट करें सेवन एट नाइन तो नाइन बाद में आ रहा है सो नाइन इज ग्रेटर देन नंबर सेवन यहाँ हम क्या करने वाले हैं सर्कल द स्मॉलर नंबर स्मॉलर नंबर वो होता है जो नंबर पहले आता है ठीक है तो वो उससे छोटा होगा यानी स्मॉलर होगा ये देखें हमारे पास कुछ बोर्ड्स हैं और ये देखें इनके ऊपर दोनों साइड्स पे कुछ नंबर गिवन है द फर्स्ट वन इज फाइव एंड एट तो फाइव को इसलिए सर्कल किया गया है कि फाइव पहले आता है और एट बाद में इसलिए फाइव जो है वो स्मॉलर नंबर है अब ये देखें ट्वेल्व एंड सेवनटीन तो इसमें से पहले कौन सा नंबर आएगा ट्वेल्व आएगा दैट मीन्स ट्वेल्व इज द स्मॉलर नंबर यानी वो सेवनटीन से स्मॉलर है यानी छोटा है ओके जीरो एंड वन तो मुझे ये बताएं कि जीरो पहले आता है या वन पहले आता है जीरो पहले आता है दैट मीन्स जीरो इज द स्मॉलर नंबर उसके बाद है थर्टीन एंड एट अब आप मुझे ये बताएं कि इसमें से स्मॉलर कौन सा नंबर है दैट्स राइट एट क्योंकि एट काउंटिंग में पहले आता है और थर्टीन बाद में आता है अब यहां पे हमारे पास है टीचर्स नोट हेल्प द स्टूडेंट्स टू फाइंड द स्मॉल एंड लार्ज नंबर ओके सो दिस इज पेज नंबर इलेवन और हम क्या करने वाले हैं राइट द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर तो सबसे पहले हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि असेंडिंग ऑर्डर किस को कहते हैं जी जब हम काउंट करते हैं लाइक वन टू थ्री फोर फाइव इन सीक्वेंस स्मॉलर से ग्रेटर नंबर की तरफ जाते हैं उसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर यानी स्मॉलर नंबर पहले आएगा फिर ग्रेटर और फिर ग्रेटेस्ट ठीक है तो यहां पे थ्री नंबर्स गिवन है लाइक ट्वेंटी सिक्सटीन एंड सेवनटीन अब आप इसमें से देखेंगे स्मॉलर नंबर कौन सा है वट इज द स्मॉलेस्ट नंबर सिक्सटीन सबसे छोटा है तो वो सबसे पहले आएगा वट कम्स आफ्टर सिक्सटीन आपने देखना है कि सिक्सटीन से अब बड़ा नंबर कौन सा है वो है सेवनटीन ठीक है और 17 के बाद लास्ट नंबर जो है वो ट्वेंटी है तो आप देखें ये बन गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटा स्मॉलर नंबर हमने सबसे पहले लिखा है और उसके बाद उससे बड़ा और उससे बड़ा ठीक है अब आगे देखें एटीन टेन एंड ट्वेंटी तो सबसे पहले जो सबसे पहले आने वाला नंबर होगा यानी नंबर टेन लिखेंगे हम टेन के बाद अब ये देखिए ट्वेंटी पहले आएगा या एटीन आएगा पहले एटीन आएगा ठीक है और यहाँ पे हम एटीन लिखेंगे और उसके बाद क्या आएगा नंबर ट्वेंटी तो ये भी असेंडिंग ऑर्डर बन गया अब हमारे पास यहाँ पे है फिफ्टीन नाइनटीन एंड इलेवन तो सबसे स्मॉलर नंबर कौन सा है इन सबसे छोटा वाला इलेवन है और आगे देखिए फिफ्टीन और नाइनटीन में से कौन सा नंबर पहले आएगा फिफ्टीन पहले आएगा और उसके बाद नाइनटीन आएगा ठीक है और ये इन नंबर्स का असेंडिंग ऑर्डर बन गया लास्ट में हमारे पास है थर्टीन सेवनटीन एंड एट तो सबसे छोटा वाला नंबर हम पहले लिखेंगे ए, एट के बाद आने वाला नंबर कौन सा है थर्टीन है क्योंकि 17 थर्टीन के बाद आएगा तो यहाँ हम लिखेंगे सेवनटीन ठीक हो गया अब ये देखिए राइट द नंबर्स इन वर्ड्स यहाँ हमने क्या लिखना है नंबर्स को वर्ड्स की फॉर्म में लिखना है लाइक दिस इज नंबर फोर्टीन एंड द स्पेलिंग्स आर ऑलरेडी रिटन फोर्टीन सो व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर दिस इज नाइनटीन 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 द नेक्स्ट नंबर इज नंबर नाइन एंड दिस इज नंबर ट्वेल्व ठीक है इस तरह से हम यहां पे नंबर ट्वेल्व लिख लेंगे सो द नेक्स्ट नंबर इज नंबर ट्वेंटी और यहां पे हम लिखेंगे नंबर ट्वेंटी के स्पेलिंग्स ठीक है और ऐसे आप लिखो ट्वेंटी और उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या है सेवन तो हमने यहां पे लिखना है सेवन और थीन थीन द नेक्स्ट नंबर इज नंबर फोर f o u r four or the last number is 15 yahan hum likhenge F-I-F-T-E-E-N-T-E-N 15 aur uske teachers note show the students different cards of numbers and tell them to arrange in ascending order जी स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने असेंडिंग ऑर्डर का कॉन्सेप्ट सीखा है वो क्या है जो बहुत इजी है यानी जब हम नंबर्स को स्मॉलर से ग्रेटर सीक्वेंस में लिखते हैं तो वो असेंडिंग ऑर्डर बन जाता है अब आपने बहुत केयरफुली इन एक्टिविटीज़ को कंप्लीट कर लेना है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो हाफिज़